अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम है साद रियल उस्ताद से DHFS4 रिवर व्यू साउथ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद ने रिसेंटली लॉन्च किया अपना एक और नया प्रोजेक्ट जो कि बैलेटिंग फॉर्मेट के अंदर है। आप इसके ऊपर प्रोसेसिंग फीस दें नॉन रिफंडेबल, जिसका निकल आया उसकी अच्छी किस्मत और मिलेगा उसको ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट। 5 मरला 7 मरला 10 मरला एक कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स DHA ने यहाँ पे लॉन्च किए हैं। लोकेशन इसकी है अडियाला रोड, इट इज़ राइट एडजेसेंट टू PIA कॉरपोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अगर आप अडियाला रोड से वाकिफ़ हैं, आप क्रॉस करें कचहरी रोड से 502 अगर आपने वर्कशॉप देखी है वहाँ से क्रॉस करें अस्करी 7 ख्वाजा कॉरपोरेशन चौक, मुतअद्दद कॉलोनीज़ अडियाला रोड के ऊपर, गुलशनाबाद से आगे गार्डन विलास जो कि DHFS4 ही है, उसके आगे अडियाला जेल, गोरखपुर PIA कॉरपोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और उसके बिल्कुल साथ DHA4 रिवर व्यू साउथ। अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूं तो तकरीबन ये उतना ही बड़ा है जितना बड़ा ओरिजिनली DHFS4 के अंदर आप डेवलप एरिया देखते हैं, जिसके अंदर ओवरसीज़ ब्लॉक आता है सेक्टर A, B, C जो कि DHA ने इसका मैप इसके एड में दिया था। तो मुझे उससे ये अंदाज़ा हुआ कि ये तकरीबन उतना ही बड़े साइज़ का, यानी कोई बहुत बड़ा एक्स्ट्राऑर्डनरी बड़ा स्पेस नहीं आ रहा। अगर मैं कैश के ऊपर बात करूँ तो 5 मरले का प्लॉट कैश के ऊपर आपको मिल जाएगा 50 लाख रुपये का, 3 साल की इंस्टॉलमेंट में यही 65 लाख रुपये का आसान एक साथ में आप देंगे, यानी मिनिमम ग्रोथ 3 साल के अंदर आपको 15 लाख रुपए की मिल जाएगी। 7 मरले का प्लॉट 70 लाख रुपए का कैश पे, 91 लाख रुपए का 3 साल की इंस्टॉलमेंट में, 95 लाख रुपए का 10 मरला कैश पे और 1.23 लाख के ऊपर 3 साल की इंस्टॉलमेंट में, और 1 कनाल का प्लॉट 1.60 करोड़ रुपए का कैश के ऊपर और 2.08 करोड़ रुपए 3 साल की आसान एक साथ के अंदर। यानी ये वो मिनिमम गेंस हैं जो उन लोगों को मिल जाएंगे जो लोग कैश के ऊपर अदायगी करेंगे, लेकिन बेहतर यही है कि आप मार्केट के हिसाब से चलें और 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर जाएं। वो तमाम लोग जो इसको पार्टिसिपेट इसमें करना चाहते हैं उनको प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ेगी। प्रोसेसिंग फ़ीस अमूमन नॉन रिफंडेबल होती है, यहाँ पे भी नॉन रिफंडेबल है। 5 मरले के ऊपर 8,000 रुपये की प्रोसेसिंग फ़ीस है, 7 मरले के ऊपर 10,000 रुपये की, 10 मरले के ऊपर 15,000 रुपये की और 1 कनाल के ऊपर 22,000 रुपये की प्रोसेसिंग फ़ीस है। ये आप पे ऑर्डर बना सकते हैं DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी रावलपिंडी के नाम पर किसी भी बैंक से और आप डिपॉजिट करा सकते हैं इनके हेड ऑफिस के अंदर। उसके अलावा आप इसके ऊपर डिफरेंट बैंक्स इन्होंने बताए हुए हैं, MCB है, अस्करी है, फैसल बैंक है और भी मुतअद्दद बैंक्स हैं कि जिसके ऊपर आप ये एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हैं। इसका फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं DHA की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर से और वहाँ पर आप अपना डिटेल्स फिल करके आप इसके अंदर अर्जियाँ डाल सकते हैं। ये बात इनिशियल एक मैंने आपको प्लान बता दिया कि भाई DHFS4 रिवर व्यू साउथ के अंदर ये सब चीज़ें आ रही हैं, लेकिन सवाल ये बनता है कि इसके अंदर क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, आपको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। तो उसके जवाब के लिए आइए अगली या अगले मरहले में आते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई DHA की पिंडी इस्लामाबाद के अंदर हिस्ट्री क्या है, कितना कुछ उन्होंने डिलीवर कर दिया और कितना कुछ उन्होंने नहीं डिलीवर किया। अगर मैं बात करूँ DHA Phase 1 की तो डिलीवर्ड है, DHA Phase 2 की बात करूँ तो डिलीवर्ड है, DHA Phase 3 की बात करूँ तो न्यू पिंडी के इलाके में सेक्टर ABC की डिलीवरी DHA अगस्त 2023 में करने जा रहा है। बाकी सेक्टर्स अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका क्या बनेगा। अगर मैं DHA Phase 3 सीनियन सिटी की बात करूं तो सेक्टर A और B पोजीशन में, बाकी आर्मी एलोकेशन इंतज़ार करिए DHA के डेवलपमेंट का। DHA Phase 4 के अंदर सेक्टर A से लेके M तक सेक्टर ABC के अंदर पोजीशन है, ओवरसीज़ बनने जा रहा है नया सेक्टर है। उसके अलावा DHA Phase 5 के अंदर सेक्टर A से लेके H तक सारे सेक्टर्स डिलीवर हैं, सिर्फ SY 1 के जो कि बहुत बाद में आया था, F1 के नाम से ये ब्लॉक है। उसके अलावा DHA Phase 6 नहीं डिलीवर, 2005 का प्रोजेक्ट है। DHA Valley नहीं डिलीवर, 2008 का प्रोजेक्ट है, सिर्फ DHA Homes DHA Valley के अंदर डिलीवर्ड हैं। ये तो एक ब्लीक फ्यूचर हमें नज़र आ रहा है या बिल्कुल हिसाब किताब मज़ेदार नहीं आ रहा, लेकिन पिछले 3 साल में DHA ने क्या किया हमें ये भी पता होना चाहिए। DHA ने पिछले 3 साल के अंदर DHA Phase 5 का ओवरसीज़ ब्लॉक लॉन्च किया, बिल्कुल रिकॉर्ड टाइम के अंदर 1 कनाल वाला प्लॉट्स दिए, बिल्कुल 3 साल से पहले 10 मरले के जो सेक्टर J के प्लॉट्स थे वो डिलीवर कर दिए। मार्केट तकरीबन डबल से ज़्यादा प्रॉफिट के ऊपर चल रही है इस टाइम के अंदर, यानी 3 साल के ऊपर। अगर 1.5 करोड़ रुपये का प्लॉट 1 कनाल का था तो आज की डेट के अंदर 3 करोड़ प्लस का वो प्लॉट है। इसी तरीके से अगर 88 लाख रुपये का 10 मरले का प्लॉट था तो आज की डेट में 2 करोड़ 2 करोड़ 10 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर ये प्लॉट्स खड़े हुए हैं। इसके अंदर
ऊपर नीचे हैं कि हो सकती हैं कीमतें। उसके अलावा डीएचए फेज 5 एक्सप्रेस वे इन्होंने कमर्शियल्स लॉन्च किया था 2021 के मार्च के ऊपर। ये फुली कैश के कमर्शियल्स थे, डेवलप ऑन ग्राउंड कमर्शियल्स थे। आज की डेट में मार्केट में तकरीबन ढाई से चार करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर ओन के ऊपर हैं। चार मरले के कमर्शियल भी ठीक इसी तरीके से 1.25 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर ओन के ऊपर चल रहे हैं। वो तकरीबन 2.40 करोड़ रुपए के लॉन्च हुए थे। डीएचए फेज 4 रिवर व्यू कमर्शियल्स डीएचए ने लॉन्च किए थे, तकरीबन चार मरले के कमर्शियल तो इसमें नहीं थे, 8-8 मरले के कमर्शियल जो डीएचए बाय इटसेल्फ बेच रहा था, तकरीबन 25 से 75 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर ओन के अंदर इस टाइम के ऊपर चल रहे हैं। उसके अलावा डीएचए फेज 4 का ओवरसीज ब्लॉक बहुत रिसेंटली डीएचए ने लॉन्च किया, लास्ट ईयर इसकी लॉन्चिंग हुई थी। इस टाइम के ऊपर मार्केट के अंदर तकरीबन 50 से 65 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर प्रॉफिट के ऊपर है 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान वाला। तो इसका मतलब ये है कि 3 साल के अरसे के अंदर अंदर डीएचए ने जो जो काम किए वो सब प्रोग्रेसिव हैं, लोगों को बेनतहा फ़ायदा हुआ जिन्होंने इन्वेस्ट किया, और ऐसा भी प्रेसिडेंट है कि वक्त से पहले डिलीवरी हुई और डीएचए काफ़ी सारी मेहनत कर रहा है इन सारी सिलसिलों को तेज़ करने के लिए, मार्केट में इनका काम चलाने के लिए। अगर मैं अब डीएचए फेज 4 रिवरव्यू साउथ की बात करूं, मैंने जैसे कि पहले बता दिया कि आप कचहरी 502 वर्कशॉप अस्करी 7 ख्वाजा कॉरपोरेशन चौक से गुजरते हुए बेशुमार कॉलोनीज आते हुए गुलशनाबाद गार्डन विलाज उसके अलावा अडियाला जेल गोरखपुर से क्रॉस करते हुए आप इस एरिया तक पहुंचेंगे। ये किसी मेन स्ट्रीम रोड को नहीं लगती, डीएचए फेज 5 लगता है, कनेक्ट करता है इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से डीएचए फेज 6 डीएचए फेज 5 के थ्रू, डीएचए वैली डीएचए फेज 5 के थ्रू, डीएचए फेज 2 के इर्द गिर्द दो बड़े बुलेवर्ड्स लगते हैं, एक जीटी रोड लगता है, एक इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे लगता है, डीएचए फेज 1 को भी जीटी रोड लगता है, डीएचए फेज 3 न्यू पिंडी और डीएचए फेज 3 सिरिन सिटी को भी जीटी रोड लगता है। ये एक ऐसा डीएचए होगा डीएचए वैली के साथ साथ, यानी डीएचए वैली भी एक मेन कनेक्टिविटी उसकी कलर सैदा रोड से छोटी रोड के ऊपर है। इसी तरीके से डीएचए फेज 4 रिवर व्यू साउथ भी अडियाला रोड के ऊपर होगा, एक छोटी रोड के ऊपर है। हम इससे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेक्ट ना करें तो बेहतर है। कंपैरेटिव रेट्स इसके इर्द गिर्द की सोसाइटीज़ के मैं आपको बता दूं, अगर मैं पीआईए कॉरपोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बारे में बताऊं, उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट तो हो रही है लेकिन ऐसा किसी बहुत सारे सालों में कुछ पोजेशन नहीं है। zameen.com की आज की कीमतें मैंने चेक की तो 5 मरले का प्लॉट 14 से 20 लाख रुपए कैश के ऊपर, 10 मरले का प्लॉट 25 से 30 लाख रुपए कैश के ऊपर, 1 कनाल का प्लॉट लगभग 50 लाख रुपए कैश के ऊपर, इसके ऊपर पोजेशन नहीं है और फ्यूचर इसका कमज़ोर नज़र आता है। रावल पाम सिटी की बात करूं तो बिल्कुल इसके साथ एक और डेवलपमेंट हो रही है, इसके बिल्कुल एडजेसेंट बनती है ये हाउसिंग सोसाइटी भी, 4 साल की इंस्टॉलमेंट में 5 मरले का प्लॉट 25 लाख रुपए का, 8 मरले का प्लॉट 40,80,000 रुपए का, 10 मरले का प्लॉट 51 लाख रुपए का और 1 कनाल का प्लॉट 1.02 करोड़ रुपए का 4 साल की इंस्टॉलमेंट में। लेकिन यानी ये ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है जो कि एनओसी कुछ ना कुछ मामला इनके ज़रा रिलेटिवली बेहतर हैं बहुत हाउसिंग सोसाइटी से, लेकिन बिल्कुल आधे आधे रेट्स हैं डीएचए के मुकाबले में। डीएचए 3 साल में डिलीवरी दे रहा है, ये मुझे नहीं पता कि 4 साल में डिलीवरी दे पाएंगे कि नहीं, मुमकिन है वक्त के ऊपर डिलीवर करें, लेकिन अडियाला रोड के ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज़ की हिस्ट्री अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कमज़ोर रही है और हाउसिंग सोसाइटीज़ ने बहुत ज़्यादा लेट डिलीवरी की है। लेकिन डीएचए जिस तर्ज के ऊपर काम करता है, डीएचए की अब पिछले 3 साल की अगर हिस्ट्री में देखूं तो उन्होंने वक्त के ऊपर डिलीवरी की है, इसके ऊपर भी डीएचए ने 3 साल का टाइम दिया है। हो सकता है कि डीएचए इसको 3 साल से कम के अरसे में डेवलप करे, ये भी हो सकता है कि डीएचए इसके ऊपर अपने डीएचए वैली डीएचए 5 डीएचए 6 डीएचए 4 की तरह इसके ऊपर 15 साल ले ले, लेकिन चांसेस यही हैं कि डीएचए वक्त के ऊपर डिलीवरी करेगा। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसका हिस्सा बनना चाहिए। अगर मैं पिछले 3 सालों में एक और अपडेट ये दूंगा कि अगर मैं डीएचए फेज 5 ओवरसीज़ ब्लॉक की बात करूँ जो कि 3 साल के इंस्टॉलमेंट के ऊपर लॉन्च हुआ था, दुगनी कीमत है आज की डेट में। डीएचए फेज 4 की बात करूँ तो इनिशियली जब मार्केट में ओन आया 2 लाख रुपए से शुरू हुआ, 5 लाख रुपए पे गया, 15 लाख रुपए पे गया, पहले महीने की बात है, ये अभी रिजल्ट आ गया, जिनका निकल आया उनको ये प्रॉफिट मिला, 18 लाख 20 लाख 21 लाख रुपए तक के ऊपर भी प्लॉट की लोकेशन के ऊपर नक्शे के ऊपर जो अच्छा आ रहा था ये चला। जैसे जैसे पेमेंट का टाइम आया करीब ओन रिवर्स होता गया, मार्केट में 10 लाख रुपए पे भी अवेलेबल था अच्छा प्लॉट, 5 लाख रुपए पे भी आ गया, लोग मिनते करने आ गए भाई 3-3 लाख रुपए ओन के ऊपर ले लो। तो तकरीबन बैलेटिंग इसी तरीके से चलती है, यानी जितनी जल्दी हो सके आप अपने प्लॉट को बेच दें अगर आपने उसको रिटेन नहीं करना। मैं डीएचए फेज 4 रिवर व्यू साउथ से बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट्स की उम्मीद नहीं करता, ये बड़ा एरिया है, इसके अंदर छोटे से लेके बड़े तक साइज़ हैं। डीएचए के अंदर अमूमन 1 कनाल के प्लॉट्स होते हैं, ये 5 मरला 7 मरला 10 मरला 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। आपका प्लॉट निकल आया तो आप एक्सपेक्ट करें ओन 1.5 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक, 1 कनाल का प्लॉट निकल आया तो आप ज़्यादा ओन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये बगैर डाउन पेमेंट अदा किए आपको ओन मिल सकता है इसके ऊपर। अगर आपका नाम निकल आया 5,000 8,000
15,000 10,000 या 22,000 की प्रोसेसिंग फीस के ऊपर अगर आपने 2,00,000 रुपए भी मार्केट से फेच कर लिए तो आप विनर हैं, लेकिन अगर आप कुछ ना जीते तो आप लूज़र हैं। आप ज़रूर इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, मेरा तजिया एंड में यही कहता है कि इसके अंदर अर्ज़ियाँ डालें आप इसके ऊपर, CNIC के ऊपर जितनी मर्ज़ी लातादाद अर्ज़ियाँ डाल सकते हैं, लेकिन आप एतदाल से इस पर अर्ज़ियाँ डालें, इसका हिस्सा बने। ये एक नया फेज़ बनने जा रहा है, मैं खुद भी इसमें अर्ज़ियाँ डालूँगा तो अल्लाह करे हमारा भी कुछ निकल आए, अल्लाह करे आप सब लोगों का जो जो अर्ज़ियाँ डालें उनका निकल आए। और लेकिन लिमिटेड प्लॉट्स होंगे इसके अंदर, ये अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी, रिंग रोड से इसको फ़ायदा होगा जब कभी भी रिंग रोड आती है, और अडयाला रोड के ऊपर एक नया सेटअप DHA का जैसे ही आएगा तो अडयाला रोड की मार्केट को भी उससे फ़रोग मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें, अस्सलाम वालेकुम।